हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मिनिमम साइज ऑफ ग्लास ट्यूबिंग दैट कैन बी यूज टू मेजर वाटर लेवल इफ द कैपिलरी राइज इन द ट्यूब इज नॉट टू एक्सीड 0.3 mm। टेक सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कंटेक्ट विथ एयर एज 0.0735 न्यूटन मीटर। राइज दोस्तों, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है पहले यहाँ पे और क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमको एक चीज डाटा यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है कि इफ द कैपिलरी राइज इन द ट्यूब, कैपिलरी राइज दोस्तों ये मान सकते हैं हम क्या है, ये हाइट है। ट्यूब इज नॉट टू एक्सीड, मतलब कि जो हमारी हाइट है कैपिलरी राइज वो कितनी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 0.3 mm की बात कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे 0.3 × 10⁻³ मीटर की बात यहाँ पे कर रहा है दोस्तों। ये हमको दिया हुआ है सरफेस टेंशन दिया है, देखिए यहाँ पे सरफेस टेंशन इसको बोल सकते हैं सिग्मा, हमको दिया हुआ है 0.0735 न्यूटन मीटर, ये हमको यहाँ पे इतना दिया हुआ है। और आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हमको मिनिमम साइज ऑफ ग्लास पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ पे डायमीटर पूछा जा रहा है कि उसका जो ग्लास है उसका डायमीटर कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है ताकि हमारा सरफेस टेंशन इतना जो इतना हाइट ना हो, इससे ज़्यादा हाइट ना हो पाए। तो आइए हम इसको कवरेज राइज का जो हाइट का फार्मूला है उसको हम यहाँ पे पुटअप करते हैं और क्या देखते हैं क्वेश्चन। हमको पता है जो कैपिलरी राइज होती है उसका जो फार्मूला है वो आपको पता होगा, एच इक्वल टू 4 sigma cos थीटा अपान रो जी इंटू डी। 4 हमारा कांस्टेंट है, सिग्मा हमारा सरफेस टेंशन है, cos थीटा जहाँ थीटा हमारा कॉन्टैक्ट एंगल है, रो मास डेंसिटी, जी ग्रेविटी और डी हमारा डायमीटर ऑफ ट्यूब है। इतना हमको यहाँ पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हमको वाटर की बात की गई है, तो यहाँ पे जो रो होगा रो हमारा वाटर का आएगा, फिर क्या है रोजी, तो सभी चीज़ यहाँ पे रखेंगे। आइए हम एक क्या बात करते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ देख लेते हैं। हम बात करते हैं फॉर वाटर, फॉर वाटर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का जो हमारा थीटा होगा वो हमारा होगा 0 degree और जो हमारा रो होगा वो होगा यहाँ पे आपको पता होगा 1000 kg/m³, ये आपको पता होगा। तो आइए हम सभी की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो एच हमको दिया है साथियों यहाँ पे 0.3 × 10⁻³ मीटर, 0.3 × 10⁻³ इक्वल टू 4। सिग्मा हमको दिया है यहाँ पे 0.0735 न्यूटन मीटर और कास थीटा, थीटा इक्वल टू 0 तो मल्टीप्लाई बाई कास 0 degree, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 degree अपान रो जी डी। रो हमारा क्या है, मास ऑफ द वाटर, मास डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 kg/m³। जी हमारा होता है 9.81 और डी हमको निकालना है, यहाँ पे डी को एज इट इज यहाँ पे रख देंगे। अगर हम यहाँ पे डी की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा डी की वैल्यू हमारी होगी 4 sigma 0.0735। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है, कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो 1 यहाँ पे रखेंगे अपन रो हमारी वैल्यू है यहाँ पे रो की 1000 और यहाँ पे जी है 9.81 और हमने क्या किया जब डी को यहाँ पे लाया तो फिर ये मल्टीप्लाई में फिर ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 0.3 × 10⁻³ मीटर। हम इसको जब सॉल्व करते हैं साथियों तो डी इक्वल टू हमारा निकल के आता है 0.1 मीटर। अब अगर हम बात करें डी इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 100 mm, कितना है दोस्तों डायमीटर आया वो आता हमारा 100 mm। हमको जो यहाँ पे ग्लास ट्यूब यूज करनी है उसका जो यहाँ पे साइज होगा वो होगा हमारा 100 mm का, हम यहाँ पे यूज करेंगे साथियों, ये ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।